क्या खबरें आपको डरा रही हैं? क्या खबरें आपको गुमराह कर रही हैं? क्या है असली खबर? मैनपुरी पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, दो अभियुक्त गिरफ्तार। 2 माह पूर्व की गई थी युवक की हत्या। खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम घोषित। बीते 2 माह पूर्व 22 जुलाई को करहल थाना क्षेत्र के सफाई बाईपास रोड पर एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान शकील पुत्र साबुद्दीन निवासी नगला गंभीरा थाना करहल के रूप में हुई थी। पुलिस ने हत्या की गुत्थी समझाते हुए उसी के गांव के सुशील उर्फ गोलू पांडे के अलावा अंकित उर्फ शिवम बाथम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिसिया लहरी से पूछताछ करने पर सुशील उर्फ गोलू इकबालिया जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि शकील उसकी हत्या करने की साजिश रच रहा था। इससे पहले उसने अपने साथी से मिलकर शकील की गोली मारकर हत्या कर दी तथा सुना घटना होने को लेकर उसकी ईंट से सिर कुचलकर पहचान मिटा दी थी। मृतक शकील था हिस्ट्री शीटर। मृतक शकील पर न्यायालय में 3 हत्या के मामले विचाराधीन है, जो इलाहाबाद कोर्ट से जमानत पर चल रहा था। हत्या करने वाले अभियुक्त सुशील उर्फ गोलू अंकित उर्फ शिवम सीतू उर्फ गोविंद सुमित उर्फ सुमित शकील के साथ साथी थे, जिन पर कई मामले न्यायालय में विचाराधीन है। पकड़े गए अभियुक्तों से पुलिस ने 15 बोर 303 बोर के देसी तमंचा व एक ईंट और हत्या में प्रयुक्त एक सफेद बैंगनार कार बरामद की। जनपद मैनपुरी से अनिल शाक्य की रिपोर्ट। सर, करहल पुलिस ने एक खुलासा किया है, सर पूरा मामला क्या? करहल थाने में 22 जुलाई को एक डेड बॉडी प्राप्त हुई थी और उनका 302 में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उस समय बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, बाद में उसकी शिनाख्त शकील के रूप में हुई, जो उस थाने का हिस्ट्री सीटर है, जिसके ऊपर कुल लगभग 10-11 मुकदमे हैं। और इसमें 2 व्यक्ति पकड़े गए, एक अंकित उर्फ शिवम दुबे और दूसरा गोलू उर्फ सुशील। ये इसके अलावा इस घटना में 2 लोग और शामिल थे, सुमित और हरगोविंद। इनके द्वारा, अंकित और गोलू के द्वारा बताया गया कि ये शकील उनको मारना चाहता था और इस बात की उनको जानकारी हो गई थी, इसीलिए इन्होंने गोलू के साथ और अपने भाइयों के साथ मिलकर के इसकी हत्या कर दी और पहचान छुपाने के लिए इसके चेहरे आदि पे प्रहार करके पुलिया के नीचे फेंक दिया था। बाद में उसने जानवर भी उसको नोच खाए थे, जिसलिए उसकी पहचान मुश्किल हो रही थी। कपड़ों पे और शरीर पे अन्य निशान से और अन्य लोगों से पूछताछ